तारीख ने शजरों से उठाए पर्दे, तारीख ने शजरों से उठाए पर्दे, दुश्मन जो अली के थे हरामी निकले। आंसू के चिरागों से सितारों को सजा दो। ये जलालपुर में शबेदारी हुई थी, फिर गुलोबर शबेदारी पढ़ रहा हूं। आंसू के चिरागों से सितारों को सजा दो, अब्बास के परचम से हवाओं को हवा दो। अरे कहां दोषी पूरा, इसके मतलब शेर जाया हो गया। आंसू के चिरागों से सितारों को सजा दो, अब्बास के परचम से हवाओं को हवा दो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यहाँ पे दोसीपुरा में भी एक अंजुमन ने पढ़ा था इसी तरीके का कलाम, उसका भी एक शेर पढ़ूंगा। अरे कातिल अकबर, तू पैगंबर का है कातिल, तेरे लिए माबूद ने रखी है सजा दो। कहवारे से गिरकर ये सजा देता है असगर, अब मैं भी गिर लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। अब मैं भी लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। अब मैं भी लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत। बड़ी मेहनत लगती है शेर लाने में भाई, इतनी लंबी लंबी शबेदारी, फिर 15-15 शेर शायरों के, उसके बाद नदीम भाई निकालना और उसको याद करना और तरतीब देना, ये बड़ी मेहनत का काम है। मगर जब वहां तक शेर नहीं पहुंचता है तो मुसीबत हो जाती है। इस तरह से हो जाएगी सूरों की, ये शेर आपने भी नहीं सुना होगा, ना लखनऊ में पढ़ा, ना चार शाहबाग में, ना ये जश्न इमाम हुसैन में, कहीं नहीं पढ़ा ये। कि इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। कुरान के पर कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। शेर बड़ा है इसलिए थोड़ा सा सोच के पढ़ रहा हूँ। इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। खलील इब्राहिम ने कहा कि सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल, तकरीर फिदा खुतबा ज़ैनब खुतबे ज़ैनब से मिला दो। इस तरह से हो जाएगी कुरान की सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। ऐ कातिले अकबर, तू पैगंबर का है कातिल, तेरे लिए माबूद ने रखी है सजा दो। आइए हजरात, मैं शख्स नहीं शख्सियत, फर्द नहीं अंजुमन, यानी हालांकि ये मकाम नहीं है, मगर हर साल उनकी खिदमत ऐसे रहती है जब बहुत से लोग चले जाते हैं। मगर इस साल शेर हिंदुस्तान जनाब बीसम को पालपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात इनको भी समाप्त फरमाएंगे। और कुछ लोग तो ये सोच के आए हैं कि इनको ही समाप्त फरमाएंगे, है ना। मगर एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान शहजादा गुरेज साहब, उनसे गुजारिश है जो ये कहें कि मेरा स्कूल न दिल्ली ना वतन ना दक्कन, हैदर इल्म से वाबस्ता मेरा रिश्ते फन, लेता हूँ सीरत मासूम से इस्लाह सुखन, सामने रहती है किरदार की शमा रोशन, सांस रुकती है तखयुल के नल टूटती है, मेरे लिखे हुए शेरों से किरण फूटती है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब शहजादा गुरेज साहब से कि वह तशरीफ लाएं। आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
हजरात, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अंजुमन जाफरिया का कि उन्होंने मेरी खिदमात को इस काबिल समझा, और उन्होंने तो 40 साल बताए लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैं उससे भी पहले से आ रहा था। और अपने बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, कुछ कागज में देख रहा था तो मुझे ये 3 खत बनारस के मिले। ये सबूत है इस बात का कि मैं बगैर पते के, बगैर शहर का नाम लिखे, पहला शायर हूं हिंदुस्तान का कि खाली नाम लिख के कोई सा भी शहर लिख दीजिए मुझे खत मिल जाता है। ये सबूत है मेरे पास। ये देखिए, इन्होंने एक यहां बनारस का है, ये इस पे सन भी लिखा होगा, काफी पुराने खत हैं ये। इस पे मेरा नाम लिखा है और एड्रेस में लिखा है मुरादाबाद रामपुर। बस कोई घर का पता नहीं, कोई इसका पता नहीं, वार्ड नंबर नहीं, कुछ मकान नंबर नहीं, कुछ नहीं। शहजादा गुलरेज मुरादाबाद रामपुर। फौरन सही फरमाया मौलाना ने, सही फरमाया। जब उनके इन गुलामों का ये हाल है, एक ये खत है, इसमें लिखा है शहजादा गुलरेज रामपुर, ये भी मेरे पास है सबूत के तौर पर, बहुत पुराना खत है। एक खत ये है, इसमें भी लिखा है शहजादा गुलरेज रामपुर मुरादाबाद, ये सबूत है मेरे पास। और बहरहाल मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में और फिर दूसरे शहर का नाम लिखा हो और खत मुझे मिल जाए, ये अहले बैत अथार के दर का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल से गजल के स्टेज पे भी और मनकबत के स्टेज पे भी मैं जिंदा और सलामत दोनों स्टेजों पर मुसलसल कंटिन्यू हूं। अब मुलाहिज़ा फरमाएं कि सना का बाब खोला जा रहा है, सना का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्जों को तोला जा रहा है। सना का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्जों को तोला जा रहा है। सरे महफिल अली का जिक्र करके, सरे महफिल अली का जिक्र करके अकीदों को टटोला जा रहा है। सरे महफिल अली का जिक्र करके अकीदों को टटोला जा रहा है। रुबाई मुलाहिज़ा फरमाए, और मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस बयान कर रहा हूं। जितने भी सितमगारों के हामी निकले, जितने भी सितमगारों के हामी निकले, उन लोगों के किरदार जुजामी निकले, उन लोगों के किरदार जुजामी निकले। तारीख ने शजरों से उठाए पर्दे, तारीख ने शजरों से उठाए पर्दे, दुश्मन जो अली के थे हरामी निकले। नारा
जब बनारस में पहली साल आए थे वो कलाम इनको पढ़ना है, जमीन पे आता भी कैसे वो कि वो आसमान था। अब ये 45 साल पहले का मुझे सलाम, बहरहाल याद आ जाएगा तुम्हें, जहां जहां से याद, जितने शेर याद आ जाए। अब नहीं नहीं आप बहरहाल यहाँ तो मैं समझता हूँ कि चूंकि रबते में रहते हैं और हमारी मजालिस जो हैं वो यूनिवर्सिटी होती हैं, जो लोग मजालिस सुनते हैं हमारे उलमाए किराम की, वो अगर एक लफ्ज भी पढ़ना हो तो वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि बात को समझते हैं। मैं पेश कर रहा हूँ कबला, मुलाजा फरमाए कि जेफर ताबा कफे पा लहू लहान था वो, जफर ताबा कफे पा लहू लहान था वो, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो। अब ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, इसमें मेरा इज्तिहाद है फनी, मुलाहिज़ा फरमाए, चूंकि 60 साल की शायरी में ये हक पहुंचता है कि मैं इज्तिहाद कर सकता हूँ फनी फनी तौर पर। मुलाहिज़ा फरमाए, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो। दूसरा मुलाहिज़ा फरमाए कि बनामे हक सरे किरतासे रेगे दश्ते तपा, बनामे हक सरे किरतासे रेगे दश्ते तपा, जिगर खराश जराहत की दास्तान था वो, बनामे हक सरे किरतासे रेगे दश्ते तपा, जिगर खराश जराहत की दास्तान था वो, जबां में उसकी भी चुभते थे प्यास के कांटे, जबां में उसकी भी चुभते थे प्यास के कांटे, मगर सबीले तसल्लीए अक्षयान था वो, जबां में उसकी भी चुभते थे प्यास के कांटे, मगर सबीले तसल्लीए अक्षयान था वो। फिर उसके बाद मुसल्ला बिछा नतीरों का, फिर उसके बाद मुसल्ला बिछा नतीरों का, फिर उसके बाद मुसल्ला बिछा नतीरों का, मियाने तेगो सिना आखिरी अजान था वो, फिर उसके बाद मुसल्ला बिछा नतीरों का, फिर उसके बाद मुसल्ला बिछा नतीरों का, मियाने तेगो सिना आखिरी अजान था वो, मियाने तेगो सिना आखिरी अजान था वो, बिखर बिखर गए तूफान उससे टकरा कर, बिखर बिखर गए तूफान उससे टकरा कर, के पेशे सैले सितम जादगां चटान था वो, पेशे सैले सितम जादगां चटान था वो, गिरा तो तीरों पे उठा तो नौके नेजा पर, गिरा तो तीरों पे
गिरा तो तीरों पे, उठा तो नोके नैजा पर, जमीन पे आता भी कैसे के आसमान गिरा तो तीरों पे, उठा तो नोके नैजा पर, जमीन पे आता भी कैसे के आसमान था वो, जमीन पे आता भी कैसे के आसमान था वो, लिया गया था जो मीसाक रोजे कुन गुलरेज, लिया गया था जो मीसाक रोजे कुन गुलरेज, उस अंजुमन का भी हम राजो हम जबान था वो। कई रोज से घर से निकले हुए हैं सफर में मुसलसल, कहीं सर्द मौसम कहीं गर्म मौसम, लिहाजा मुतासिर हुआ सीना, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक है मगर कुछ सीने पे जकड़न है, लिहाजा मैं ज़्यादा खिदमत नहीं कर पाऊँगा। फरमाइशें इतनी कर दी हैं मुझे। अच्छा मुलाजा फरमाए कि इतने पुराने शेर आप लोगों को याद, मैं मुझे याद नहीं है माशाल्लाह, सलामत रहिए। बहुत अजीब सा एहसास लेके आया, बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था, समंदरों का खुदा प्यास लेके, समंदरों का खुदा प्यास लेके आया था। नारे तलवार, समंदरों का खुदा प्यास लेके आया था, कयाम उसने किया जलजलों की बस्ती में, कयाम उसने किया जलजलों की बस्ती में, वो दश्ते कर्ब में बनवास लेके आया, वो दश्ते कर्ब में बनवास लेके आया था। बड़े सुकून से तय की सिराते सब्र उसने, बड़े सुकून से तय की सिराते सब्र उसने, कि वो रसूलों का विश्वास लेके आया, वो रसूलों का विश्वास लेके आया था। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि वो रसूलों का विश्वास लेके आया था, और मुलाजा फरमाए शेर, उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया, उसे खबर थी, उसे हुसैनिया नारे भाई क्या कहना जी, शुक्रिया सब अंदाज ज्यादा वही है पुरानी आपकी सर। अच्छा शुक्रिया। उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था, चमक रहे हैं शहादत के ताज में गुलरेज,
चमक रहे हैं शहादत के ताज में गुलरेज, वो करबला में जो अलमास लेके आए, वो करबला में जो अलमास लेके आया था भाई, वो हमारे किसी साहब की फरमाइश थी कि वो अब शेर जितने भी उसमें दो तीन ही मुझे याद हैं, कभी पढ़े होंगे मैंने यहां। उज्जा मना तो लात, हमारे ये भाई बैठे हैं, इन्हें हमारे इस पूरी शायरी जितनी मैंने यहां पढ़ी है सब याद है, ये बता देंगे अगर मुझे। उज्जा मना तो लात की चीखें निकल पड़ी, उज्जा मना तो लात की चीखें निकल पड़ी, देखा जो नूर रात की चीखें निकल पड़ी, देखा जो नूर रात की चीखें निकल पड़ी। अब ये शेर सुनिए कि तशना लबी ने पांव रखा सथे आप पर, तशना लबी ने पांव रखा सथे आब पर, वो वजन था फुरात की चीखे, तशना लबी ने पांव रखा, तशना लबी ने पांव रखा सथे आब पर, वो वजन था फुरात की चीखें निकल पड़ी, वो वजन था फुरात की। कुछ ऐसे तोड़ी शेर ने दरिया की पसलियां, कुछ ऐसे तोड़ी शेर ने दरिया की पसलियां, हर मौजे बेसबात की चीखें निकल, हर मौजे बेसबात की चीखें निकल पड़ी। और दश्ते आतश में देख के कौसर मिजाज लोग, दश्ते आतश में देख के कौसर मिजाज लोग, गुलरेज कायनात की चीखें निकल, गुलरेज कायनात। अब उसे पढ़ा नहीं जा रहा है, हाजरीन महफिल सलामुन अलैकुम। आज के इस पूर्व मसर्रत के मौके पर, मसर्रत के मौके पर अंजुमन जाफरिया के, अंजुमन जाफरिया व मोमिनीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से हमारे मेहमान शायर जनाब शहज़ादा गुलरेज साहब, जो पिछले 40 सालों से इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और ख़ास तौर पे अपने इमाम ज़माना से मैं दुआ करता हूं कि आपकी सेहत व सलामती के लिए, सेहत व सलामती के लिए दुआ करूं। और मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान शायर जनाब शहज़ादा गुलरेज साहब को गुलपोशी के ज़रिए एक यादगार के तौर पर मोमेंटो पेश करें।